सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वर्तमान में सुख लेने का प्रयास करिए। भविष्य बहुत कपटी होता है, वो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। अक्सर लोग सिर्फ दूसरों को कहते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि वो खुद कैसे हैं। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। आज का पंचांग 19 मार्च 2023 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 8:07 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 10:04 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:56 से 6:26 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 11:17 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 19 मार्च 2023 दिन रविवार, आज के दिन की खासियत आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात रहेगी जिसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी लंबे समय तक रहेगा। आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां आपको विपरीत दृष्टिकोणों का सामना करना पड़ सकता है। आपको रचनात्मक आलोचना को सही तरीके से ही लेना होगा और बदतमीज हुए बिना ही अपनी बात को समझाने की कोशिश करनी होगी। एक प्रभावी संचारक होने का मतलब है अच्छा श्रोता होना। छोटा भाई या अन्य रिश्तेदार आपसे अपने विचार साझा करना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने के लिए दिन अच्छा है। किसी छोटी यात्रा के लिए तैयार हो जाएं, जो आपको नए अवसरों का वादा करती है। असामाजिक कामों के लिए समय निकालें। किसी बड़ी परियोजना या व्यावसायिक प्रस्ताव की योजना को अंतिम रूप देने से बचें। व्यस्त दिन में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अच्छा, आपके लिए वित्तीय मामले ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे। पहले से ही योजना बनाना न केवल सफलता की नींव रखता है बल्कि आपको आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। अपने प्रयासों में गति लाएं तथा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी तथा आपके सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्य संपन्न होते जाएंगे। वर्तमान में मिल रही अनुभव को ध्यान में रखें और निराशा से बचें। समस्या का हल वक्त के अनुसार प्राप्त होता है, इसीलिए समस्याओं से हार ना माने। जिस प्रकार से आपकी सोच सुधरेगी उसी प्रकार से कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। टारगेट पूरे करने के लिए योजना के अनुसार काम करें। पार्टनर के दबाव के कारण गलत निर्णय लेने की संभावना बन रही है। थायराइड की समस्या भी बढ़ सकती है। आज आप बेचैनी भी महसूस करेंगे। आपका खराब स्वास्थ्य बेचैनी का कारण होगा। छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। नौकरी करने वाले लोग नौकरी में आने वाली बाधाओं से परेशान रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए हालात थोड़े सामान्य बने रहेंगे। आज आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगे और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। परिवार के लोगों के लिए आप अपनी बीची जीवन में से समय निकालेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करेंगे। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय के लिए दिन बढ़िया है। आज व्यापारी वर्ग को विशेष रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे जिससे धन लाभ के योग बनेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। परिवार की ओर से आप बेफिक्र भी रहेंगे। आज आर्थिक पक्ष मजबूत भी रह सकता है। भाग्य आपके साथ रहेगा। सावधानियां, ध्यान रखिए कि गुस्से और आवेश की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। ज्यादा सोच विचार करने की वजह से भी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से निकल सकती है, इसलिए अपने निर्णयों को तुरंत कार्य रूप में अंजाम दें।
बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ चल रही तकरार जरा सी सूझबूझ तथा आपसी समझदारी द्वारा सामान्य हो जाएगी। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। अच्छा, आपके संबंध को एक नया रूप मिलेगा। आप पूरा दिन अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे और आपको उनकी कुछ नई खूबियां भी पता चलेगी, जिससे आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। आप उनके प्रति बेहद लगाव महसूस करेंगे और आगे चलकर उनके साथ विवाह का फैसला ले सकती हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती है, उनसे आपको सावधान रहना होगा। अपने साथी के साथ प्रकृति के गोद में समय बिताएं। यह यात्रा आपके रोमांस और अंतरंगता को बढ़ाएगी। सब कुछ भुलाकर बस इन पलों में खो जाएं। संगीत, नृत्य, कला और फोटोग्राफी के माध्यम से भी अपनी साथी को लुभा सकती हैं। धन की कमी से निराश ना हो। आज के दिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज आप जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करेंगी। अब आप जिंदगी में बड़ी योजनाएं बनाने और रिस्क लेने के बारे में सोचेंगी। यही नहीं, आप लव लाइफ के लिए भी कुछ बड़ा विचार करेंगी। याद रखें, सफलता वही सफल है जिसमें दोनों के बीच में स्पष्ट और सच्ची बातचीत हो। बात करते हैं करियर की। व्यवसायिक परेशानी या भुगतान के कारण आज के दिन आप व्यस्त हो सकते हैं। काम, व्यवसाय, धन और लाभ से ऊपर उठकर कुछ अलग सोची व नृत्य, संगीत, फोटोग्राफी जैसे शौक के लिए समय निकालें। आज आप अपने पेशे और बाधाओं को कम करने के लिए हर प्रयास करेंगे। अपने आप के बारे में जानना आपकी आज प्राथमिकता रहेगी। कुछ समय सामाजिक कार्यों में भी बिताएं। अन्य दिनों की तरह आज धन संबंधित मामले आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। अपनी योजनाओं की शुरुआत सोच समझकर करें। भविष्य के बारे में पहले से ही सोचना जीवन की मजबूत नींव तैयार करता है। आज आप एक ऐसे सफल पेशेवर से मिल सकते हैं जो आपको कार्य करने के लिए उपयुक्त सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उसके साथ साझेदारी के गठन से पहले थोड़ा सावधान रहें। संभावना है कि वह कार्य के मध्य में अपनी दरों में वृद्धि कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प ये होगा कि आप ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसमें दरें गतिमान की बजाय स्थायी हो। कारोबार में किसी नए काम को लेकर व्यस्त रहेगी। प्रेम के लेन देन संबंधित कार्यों को आज ना करें, क्योंकि किसी प्रकार की वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आय के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही खर्चों की भी अधिकता रहेगी। बात करते हैं सेहत की। आज ग्रहों की स्थिति आग से दुर्घटना की आशंका जता रही है। रसोई घर में काम करते हुए या बिजली के उपकरण पर काम करते हुए अतिरिक्त सावधानी रखें। वास्तव में आज आपको सब गर्म चीजों तथा आग के आसपास सावधान रहना चाहिए। आप अपने तनाव के कारण चिड़चिड़े से रहेंगी, जिसका असर दूसरों के साथ आपकी बातचीत पर दिखाई देगा। आज का उपाय। आज आप घर के बाहरी दरवाजे के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।